जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग साइंस जो है कि आपका प्लेटफार्म में जो नई साइंस का बुक लॉन्च हुआ है, जो कि आपका उसमें क्वेश्चन है 95 100+ MCQs का, तो वही हम चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हम फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अब ये डेली 20-20 क्वेश्चन आते रहेगा आपके बीच। तो हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो आपका ये हो गया कूलम्ब। लेकिन देखिए यहाँ पे वोल्ट है, तो वोल्ट का SI, वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विद्युत आवेश के लिए हम लोग वोल्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे केल्विन तापमान के लिए होता है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान के लिए होता है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो आपका पारसेक। क्या हो गया यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष, पारसेक नहीं, प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई की यूनिट कौन सी होती है? तो प्रकाश वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? तो आपका कौन सा है? तो वेग आपका वेक्टर मात्रा है। वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें कि क्या हो, दूरी के साथ परिमाण के साथ दिशा भी हो। तो परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर राशि कहते हैं। और त्रिभुज के योगफल नियम तथा त्रिभुज के योगफल नियम का पालन करें तो उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर। तो यहाँ पे हो गया आपका वेग इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। उसके बाद ये बोल्ट आ गया। बोल्ट हमने अभी बताया था कि बोल्ट किसका मात्रक है। तो बोल्ट आपका किसका है? या तो विद्युत विभव या तो विभवांतर का क्या होता है? विभवांतर का क्या होता है? बोल्ट होता है आपका। विद्युत विभवांतर का आपका बोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का कौन सा होता है? तो बोल्ट होता है। तो यहाँ से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका होता है? तो देखिए घनत्व तो इसका हो जाएगा, तो डी बराबर होता है यम अपान भी, ठीक है ना। तो बोल रहा है प्रति यूनिट, मास प्रति यूनिट, यहाँ पे वॉल्यूम का क्या हो गया? एक यूनिट हो गया। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? तो एक यूनिट प्रति वॉल्यूम बोल रहा है, मास प्रति यूनिट। तो यहाँ पे देखिए मास भी दे रहा है और वॉल्यूम भी दे रहा है, किसका होता है? तो यह घनत्व का होता है। क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट इकाई क्या होती है? तो ये आपकी डेसिबल होती है। न्यूटन आपका हो गया, किसका? बल का मात्रक हो गया। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आपका डेसिबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो डेसिबल हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की SI इकाई आपका ओम होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का SI इकाई तो ओम हो गया, कूलम किसका होता है? तो आपका कूलम किसका होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। जूल किसका होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब न्यूटन के बारे में देख लेते हैं, तो न्यूटन किसका होता है? तो बल का यूनिट होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इकाई, पिच इसके डॉट डॉट पर निर्भर करता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है, यह क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है पिच का? तो पिच का आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। इसके बाद आता है कि आवृत्ति पे अधिक होती है तो ध्वनि पतली या मोटी होती है, ठीक है ना। और तीव्रता किस पे निर्भर करता है? तो तीव्रता आपका आयाम पे निर्भर करता है। तीव्रता किस पे रहता है? तो आयाम पे निर्भर करता है वो। उद्योगों में प्रयुक्त, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योगों में जो प्रयुक्त होता है वह किसका इकाई, इसका इकाई क्या होता है? तो आपका क्वेश्चन पहला है किलोवाट, दूसरा है आपका जूल, तीसरा है वाट्स, चौथा है हॉर्स पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हॉर्स पावर। अगला नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, संवेग कहलाता है, बल कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य की दर आप लोग जानते हैं कि कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है पी बराबर होता है, शक्ति का होता है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, क्या है तो होता है तो डब्ल्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे 18 वोल्ट बराबर डॉट डॉट 3 ओम। तो देखिए यहाँ पे किससे ये निकालेंगे, आप लोग जानते हैं एक फार्मूला कौन, तो इसको निकालेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। चूँकि देखिए यहाँ पे 18 दिया है और यहाँ 18 वोल्ट दिया है और उसके बाद यहाँ पे है आपका 3 ओम। तो कोई रिलेशन देख रहे हैं आप लोग, कौन सा रिलेशन होता है? तो यहाँ पे आप लोग रिलेशन जानते हैं वी बराबर आई आर। क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे वी आपका आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी बटे में आर। तो वी बटे में आर होगा तो अब होगा आपका 18 भागे आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 6 एम्पियर आ जाएगा। कितना? 6 एम्पियर। क्वेश्चन है, एक वाट बराबर क्या होता है? तो एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है? एक जूल प्रति सेकेंड। कैसे? तो पी बराबर होता है आपका डब्लू बाई टी, पी बराबर होता है डब्लू बाई टी। तो यहाँ पे डब्लू जो है कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड हो गया। भार का एसआई इकाई क्या होता है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, क्योंकि भार बराबर होता है एम इंटू जी। तो एम से हो जाएगा के जी, जी से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरह हमारा हो जाएगा क्या? न्यूटन। एक नैनो क्या होता है? तो नैनो होता है 10^-9 मीटर। क्या होता है? नैनो होता है 10^-9 मीटर। फास्फोरस का परमाणुकता क्या होता है? तो फास्फोरस होता है आपका पी फोर होता है। क्या होता है? आपका फास्फोरस पी फोर होता है, तो इस पी फोर होता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 4 परमाणुकता होती है, 4 परमाणु इसके पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो विद्युत प्रवाह का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आपका पहला है वाट होता है, दूसरा का आपका जौल होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब आगे है जो आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऊर्जा की इकाई के समान किसकी होती है? कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर होता है पी बराबर डब्लू बाई टी होता है। तो पी बराबर क्या होता है? डब्लू बाई टी होता है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका? कार्य बटे में क्या हो जाएगा? कार्य बटे में समय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो किसकी कोई इकाई नहीं होती? यहाँ पे देखिए, घनत्व का इकाई होता है, जबकि दाब का भी इकाई होता है, दाब का पास्कल कहते हैं, विस्थापन का भी मीटर होता है, घनत्व का मीटर प्रति घनत्व का भी होता है, लेकिन आपका सापेक्षिक घनत्व का इकाई कोई नहीं होता है। तो इस तरह हमारा 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं ये सीरीज आपके लायक है। जो भी ALP रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप 10 मिनट हमारे साथ बिता के आप ये बुक ख़त्म कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू। आप कहेंगे तो वीडियो का मैराथन भी लाते रहेंगे साइंस का, नहीं तो हमारा विचार है कि सोते टाइम हम लोग क्या करेंगे, या कुछ भी खाना बनाते टाइम हम लोग क्या कर लेंगे, 20-20 क्वेश्चन करते हुए पूरा कर लेंगे इस बुक को। ओके, जय हिंद, थैंक यू सो मच हमारे ऊपर प्यार दुलार बरसाए रखने के लिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।